राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान में आज राष्ट्रव्यापी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोको पायलट भूख हड़ताल में शामिल हुए एवं भूखे रहकर ट्रेनों का परिचालन किया। आज की इस सांकेतिक भूख हड़ताल में बैठे चालकों ने तख्तियों में अब की बार आर्या पार लेके रहेंगे आरसी 1980 का अधिकार, रेलवे का निजीकरण व निगमीकरण बंद करो जैसे नारे बुलंद किए जा रहे थे। लोको पायलटों की मांग है कि रेलवे का निजीकरण व निगमीकरण बंद करें, माइलेज भत्ता दर सिद्धांत आरएसी 1980 के अनुसार निर्धारित करें, जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त रनिंग स्टाफ की पेंशन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज लोको पायलट भूख हड़ताल में रहकर ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। ये हमारा जो धरना है, हमारे केंद्रीय कमेटी के तत्वावधान में 15 और 16 जुलाई को हंगर फास्ट रह के हम लोग ड्यूटी करेंगे। ये हमारा इसलिए है क्योंकि हमारा जो माइलेज रेट है आरएसी फार्मूला 1980 के अनुसार नहीं दिया गया है। साथ में रेलवे का जो निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है, जो ये सांकेतिक है और ये 24 घंटे का है। ये हमारा 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है, ये जो केंद्रीय नेतृत्व के तत्वाधान में हो रहा है। हमारे जो हमको ड्यूटी के दौरान माइलेज भत्ता मिलता है उसको सही धरण से नहीं दिया जा रहा, आरएसी 1980 के तहत देना चाहिए, जो कि नुकसान कर हम लोग को बहुत कम दिया जा रहा, उसी के हम विरोध में ये कर रहे हैं। आगे चल के हमारी ये मांग और ये लड़ाई और बढ़ेगी। अभी हम 24 घंटे के उपवास में हैं। आरएसी 1980 में क्या फ़ायदा है? आरएसी हम रनिंग स्टाफ को ड्यूटी के दौरान एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए एक माइलेज मिलता है, उसके लिए एक नियम बनाया गया था रेलवे ने, 1980 आरएसी 1980 बनाया रनिंग अलाउंस कमेटी, जिसके तहत हमको जो रेट तय की जाती है उस के अनुसार पैसा दिया जाता है। लेकिन रेलवे पिछले 2 पे कमीशन से उसमें हम लोग के साथ नुकसान करते जा रहा और उसकी कटौती करते जा रही, उसके विरोध में हम लोग उस नियम के अनुसार ही अपना पेमेंट और पाना चाहते हैं।